नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं मैं आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों, महाराजा अगरसेन एक ऐसा नाम, एक ऐसे सच्चे समाज सुधारक का नाम जिन्होंने पूरी दुनिया को मानवता का संदेश दिया। और आज हम मौजूद हैं हिसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जहां इसका नाम बदलकर अब महाराजा अगरसेन एयरपोर्ट रख दिया गया है। बीते जुलाई माह में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इस एयरपोर्ट को नाम दिया महाराजा अगरसेन, और तमाम अग्रवाल समाज के प्रबुद्ध लोग उस कार्यक्रम में मौजूद रहे। आइए सुनते हैं सीएम मनोहर लाल खट्टर ने महाराजा अगरसेन और अग्रवाल समाज के बारे में क्या कहा। जब ऐसे संस्थानों के नाम रखने की बात आती है तो महापुरुषों को हमेशा सामने रखना चाहिए, और जब एयरपोर्ट हिसार की बात आई तो उन महापुरुषों की कड़ी में बड़ा नाम, और जिसकी मांग भी थी समाज की ओर से, महाराजा अगरसेन जी के नाम से रखना चाहिए, ये मन में स्वाभाविक विचार था। कोई बहुत सोचना समझना नहीं पड़ा हमको, और मैं तो आगे भी इस विचार का हूं कि जब तक हमारे हाथ में ये निर्णय करने का अधिकार है, तब तक ऐसे ही संतों महापुरुषों के नाम को आगे बढ़ाएंगे। और जिस प्रोजेक्ट की आज हम चर्चा कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट के कारण से महाराजा अगरसेन के नाम को वैसे तो सारे देश में, दुनिया में सब जानते हैं, लेकिन तरोताजा बार बार होता रहे। अब ये प्रोजेक्ट एक एयरपोर्ट का है। एयरपोर्ट पर मुख्य काम क्या होता है? लोगों का आना जाना, लोग वहां उतरते हैं, देश भर से, दुनिया भर से। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा तो दुनिया भर के एयरपोर्ट के जहाज भी आएंगे। 200 देशों के लोग हम अपेक्षा करते हैं कि यहां से आना जाना उनका बनेगा। जो उतरेगा महाराजा अगरसेन का नाम देखेगा, जिसको पता है वो खुश होगा, जिसको नहीं पता उसके मन में उत्सुकता होगी कि मैं जानूं तो सही कि महाराजा अगरसेन क्या है, कौन है, इनके नाम से इस एयरपोर्ट का नाम रखा गया तो क्यों रखा गया है। बहुत समाज में ऐसे लोग होंगे जो हमारे समाज के नहीं होंगे, अगर समाज के नहीं होंगे लेकिन दूसरे समाजों के होंगे। हो सकता है दुनिया में रहने वाले लोगों को नया नाम हो, लेकिन जब आएंगे और एयरपोर्ट का नाम पढ़ेंगे, उस एयरपोर्ट के नाम की टिकट उनके हाथ में होगी, बोर्डिंग पास उनके हाथ में होगा, तो मन में एक विचार तो जाएगा ही। तो इसलिए ये काम केवल हिसार के लिए नहीं हुआ है, केवल हरियाणा के लिए नहीं हुआ है, केवल देश के लिए नहीं हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नाम यानी पूरे दुनिया के लिए हुआ। अग्रवाल समाज के जनक महाराजा अगरसेन सूर्य वंश के महान क्षत्रिय राजा थे। मान्यता अनुसार इनका जन्म भगवान श्री राम के पुत्र कुश की 34वीं पीढ़ी में प्रताप नगर के महाराजा वल्लभ सेन के घर आज से 5000 साल पहले हुआ था। राजा वल्लभ के अगरसेन और शूरसेन नाम के दो पुत्र हुए। अगरसेन महाराज वल्लभ के ज्येष्ठ पुत्र थे। उनकी माता का नाम भगवती था। महाराजा अगरसेन के जन्म के समय गर्ग ऋषि ने महाराज वल्लभ से कहा कि यह बहुत बड़ा राजा बनेगा, इसके राज्य में एक नई शासन व्यवस्था उदय होगी और हजारों वर्ष बाद भी इनका नाम अमर होगा। महाराज अगरसेन जी ने देश के अंदर समाजवाद को बढ़ावा दिया, हर गरीब व्यक्ति को ऊंचा उठाने के लिए काम किया, जिसे सदियों तक याद किया जाएगा। उन्होंने एक ऐसी अनोखी परंपरा अपने राज्य के अंदर लागू की, जैसे उनकी नगरी में कोई भी गरीब व्यक्ति या जरूरतमंद व्यक्ति आता था, उसको रहने के लिए हर घर से एक ईंट और एक मुद्रा, उस टाइम मुद्रा होती थी, ये रुपये नहीं हुआ करते, एक ईंट एक मुद्रा हर घर से उस व्यक्ति को उस नगरी से दी जाती थी। 15 वर्ष की आयु में अगरसेन जी ने पांडवों के पक्ष से महाभारत युद्ध लड़ा था। महाराज वल्लभ के देहावसान के बाद ये प्रताप नगर के राजा बने, लेकिन बाद में इन्होंने अपने छोटे भाई शूरसेन को प्रताप नगर का शासन सौंप दिया और एक नए राज्य की जगह का चयन के लिए महाराजा अगरसेन ने अपनी रानी के साथ पूरे भारत की यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान एक जगह उन्होंने बाघ और भेड़िया के कुछ शावकों को साथ देखा। राजा अगरसेन और रानी माधवी ने यह एक शुभ संकेत माना और इसी स्थान पर अपने नए राज्य की स्थापना की। ऋषि मुनियों की सलाह पर नए राज्य का नाम अग्रेय गण रखा गया, जिसे अग्रोहा के नाम से जाना जाता है, जो हरियाणा में हिसार के पास स्थित है। जो जीव जंतर थे, पशु थे,
उनकी हत्या उसने बंद की और अनेकों सामाजिक धार्मिक कार्य महाराज अग्रसेन जी ने किए। आज उनके आदर्शों पर चलकर देश का जो हमारा बेस्ट समाज है और अग्रवा धाम के नेतृत्व के अंदर यानी कि जगह जगह आपको कोई ऐसा जिला खाली नहीं मिलेगा देश और विश्व के अंदर जहां बेस्ट समाज द्वारा मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल, गौशाला, प्याऊ मंदिर, अनेकों संस्था बनाकर जनता की सेवा की जा रही है। जहां तक ये अग्रवा धाम की जो मैं बात कर रहा हूं, अग्रवा धाम 30 एकड़ के अंदर स्थापित है। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं अग्रवाल समाज के तीर्थ स्थान कहे जाने वाले अग्रवा धाम में और मेरे साथ मेरे सहयोगी हिसार से संदीप जी हैं। संदीप जी से जानते हैं कि किस तरीके से इस अग्रवा धाम की नींव पड़ी और किस तरीके से आज यह है लोगों के लिए विभिन्न सेवाएं दे रहा है और कितनी मान्यता अग्रवाल समाज में इस आश्रम की है, इस धाम की है। जी संदीप जी, जिस तरीके से इस आश्रम की जो भव्यता है वो बड़ी दूर तक प्रसिद्ध है, अग्रवाल समाज या वैश्य समाज की बात करें तो पूरा समाज जो है उनके लिए ये तीर्थ से कम नहीं। मैं चाहूँगा कि इसका जो इतिहास है उसके बारे में आप ज़रूर बताएं। अनिल जी, अग्रोहा का इतिहास काफ़ी पुराना रहा है। वैसे तो 1976 में अग्रोहा धाम विकास ट्रस्ट की ओर से अग्रोहा धाम की नींव रखी गई थी, लेकिन यदि मैं इतिहास के पन्नों में उधेर करके देखता हूँ तो महाभारत कालीन समय से इसका इतिहास जुड़ा रहा है। महाराजा अग्रसेन जी ने कभी महाभारत के युग में अपनी राजधानी बनाई थी अग्रवा धाम को, तभी से लेकर आज तक यहाँ लोगों की मान्यता है, विशेषकर अग्रवाल समाज जिसको वैश्य समाज बोला जाता है। महाराजा अग्रसेन की पहली शादी राजा नागराज की पुत्री राजकुमारी माधवी से हुई थी। उनकी यह शादी स्वयंवर के माध्यम से हुई। अपने राजा को शक्तिशाली बनाने के लिए एक कूटनीति के तहत उन्होंने कोलापुर के राजा महिरथ नागवंशी की राजकुमारी सुंदरावती से दूसरा विवाह किया। दो दो नागवंशों से संबंध स्थापित करने के बाद महाराजा वल्लभ के राज्य में अपार सुख समृद्धि व्याप्त हुई। अग्रसेन महाराज के 18 पुत्र थे। उन सभी पुत्रों को यज्ञ का संकल्प दिया गया जिन्हें 18 ऋषि मुनियों ने पूरा करवाया। यज्ञ में बैठे सभी 18 ऋषियों के नाम के आधार पर गोत्रों की स्थापना हुई। वहीं 18वें यज्ञ में जब पशु बलि की बात आई तब महाराजा अग्रसेन ने इस बात का जमकर विरोध किया और इस तरह आखिरी यज्ञ में पशु बलि देने से रोक दिया। इस यज्ञ को अधूरा समझा जाता है। इसी वजह से अग्रवाल समाज के 17.5 गोत्र माने जाते हैं। गोत्रों के नाम हैं एरन, बंसल, बिंदल, भंदल, धारण, गर्ग, गोयल, गोयन, जिंदल, कंसल, कुच्छल, मधुकुल, मंगल, मित्तल, नागल, सिंघल, तायल और तिंगल। सबसे पहले महाराजा अग्रसेन जी के नाम से 20 करोड़ की लागत से भव्य म्यूजियम और ऑडिटोरियम अग्रवा धाम में निर्माण चल रहा है जिसका ट्रैक्चर कंप्लीट हो चुका है। उसके अंदर महाराजा अग्रसेन जी की पूरी जीवनी, उनके उद्देश्य चित्र सहित लगाए जाएंगे, संचालित झांकियां लगेगी, लोगों को पता लगे, युवाओं को पता लगे और प्रेरणा मिले कि महाराजा अग्रसेन जी ने किस प्रकार तकलीफें पाकर समाजवाद को बढ़ावा दिया। उनकी नगरी के अंदर आज तक इतिहास है, कभी कोई आदमी भूखा नहीं सोया। महाराजा अग्रसेन ने 108 वर्षों तक राज किया। उन्होंने जिन जीवन मूल्य को ग्रहण किया उनमें परंपरा एवं प्रयोग का संतुलित सामंजस्य दिखाई देता है। उन्होंने एक ओर हिंदू धर्म ग्रंथों में क्षत्रिय वर्ण के लिए निर्देशित कर्म क्षेत्र को स्वीकार किया और दूसरी ओर देश काल के परिप्रेक्ष्य में नए आदर्श स्थापित किए। उनके जीवन के मूल रूप से 3 आदर्श हैं: लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, आर्थिक समरूपता एवं सामाजिक समानता। एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद वे शासन अपने ज्येष्ठ पुत्र विभू के हाथों में सौंप कर तपस्या करने चले गए। महाराजा अग्रसेन जी के जो सिद्धांत थे, आज उनके सिद्धांतों पर चलकर देश का जो बेस्ट समाज है, देश ही नहीं पूरे विश्व के अंदर राष्ट्र में जनता की सेवा में लगा हुआ है।
महाराजा अग्रसेन को समाजवाद का अग्रदूत कहा जाता है। अपने क्षेत्र में सच्चे समाजवाद की स्थापना हेतु उन्होंने नियम बनाया कि उनके नगर में बाहर से आकर बसने वाले प्रत्येक परिवार की सहायता के लिए नगर का प्रत्येक परिवार उसे एक सिक्का व एक ईंट भेंट करेगा, जिससे आसानी से नवागंतुक परिवार स्वयं के लिए निवास स्थान व रोजी रोटी का प्रबंध कर सके। महाराजा अग्रसेन बेहद दयालु और करुणामयी स्वभाव वाले व्यक्ति थे, जिनके हृदय में मनुष्य समेत पशु पक्षी एवं जानवरों के लिए भी करुणा भरी हुई थी। यही वजह थी कि उन्होंने धार्मिक पूजा अनुष्ठानों में पशु बलि आदि को गलत करार दिया था। आज भी इतिहास में महाराजा अग्रसेन परम प्रतापी, धार्मिक, सहिष्णु, समाजवाद के प्रेरक महापुरुष के रूप में उल्लेखित हैं। देश में जगह जगह अस्पताल, स्कूल, बावड़ी, धर्मशालाएं आदि अग्रसेन के जीवन मूल्यों का आधार हैं। हिसार से अनिल कक्कड़ के साथ संदीप सेमार की रिपोर्ट।